अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बाजार खुलने लगे हैं, बाजार फिर से गुलजार होने लगे हैं, लेकिन समय बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार व्यापारी अड़े हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का जो समय दिया गया है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि ग्राहकों का आने का समय ही 10 से 11 बजे का है, ताकि समय को बढ़ाया जाए और व्यापारी व्यापार कर सके। राजधानी जयपुर में किस प्रकार की तस्वीर है अनलॉक की, आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। मनीष, कैसी तस्वीरें राजधानी की अनलॉक में देखने को मिल रही है? लॉकडाउन में देखा था सन्नाटा पसरा पड़ा था बाजारों में, आवागमन पूरी तरीके से बंद था, लेकिन अब शहर की सड़कों के क्या हाल हैं, बाजार के क्या हाल हैं? देखिए आशीष, आज अनलॉक का दूसरा दिन है और जिस तरीके से यहाँ पे सुबह 6 बजे से बाजार खुले और उसके बाद में 11 बजे बाजार बंद होना शुरू हो गए और लगभग 11:30 बजे तक पूरी तरीके से बाजार बंद हो गए। इस समय दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और पूरी तरीके से जो जयपुर का परकोटा है, जिसको हम कह सकते हैं राजधानी का सबसे बड़ा ये बाजार कहा जा सकता है, परकोटा है, यहाँ पे छोटी चौपड़ है, चांदपोल है, बड़ी चौपड़ है, तो ये मुख्य बाजार जो जयपुर का है तो ये पूरी तरीके से इस समय यहाँ पे बंद हो चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पे वाहनों की जो आवागमन है, जो हलचल है, वो जरूर जारी है, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक के जो नियम, जो गाइडलाइन जो जारी हुई है, इसके अंदर बहुत सारी जो रियायतें हैं वो दी गई है। ज्यादा रियायतें नहीं मिली है अनलॉक की जो गाइडलाइन के अंदर, क्योंकि ये 8 तारीख को फिर इसमें एक बार रिव्यू होगा इस गाइडलाइन के अंदर। लेकिन फिलहाल जो इसके अंदर जो बताया गया अनलॉक की गाइडलाइन में कि जो निजी जो कार्यालय है तो यहाँ पे 25% कर्मचारी दोपहर 2 बजे तक कार्य कर सकते हैं, इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के अंदर 25% कर्मचारी कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे के अंदर बाजार के अंदर साफ तौर पे जो है हलचल यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से 1 घंटे पहले ही बाजार बंद हुआ है तो जो दुकानदार वगैरह हैं तो वो भी अपने अपने घरों को अभी जो जा रहे हैं, तो मार्केट के अंदर सीधे तरीके से वाहनों की जो हलचल है यहाँ पे देखी जा सकती है। और सुबह 11 बजे तक जो मार्केट जो खुला है, हमने व्यापारियों से बात की, ए1 टीवी के संवाददाता की तरफ से व्यापारियों से बातचीत की गई, तो व्यापारियों ने बताया कि जो ये समय है सुबह 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का, तो इस समय के अंदर बदलाव किया जाना चाहिए। सरकार से उन्होंने मांग की है कि सुबह 10 बजे से लेकर सुबह शाम को 5 बजे तक जो है बाजार खोला जाना चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके से बाजार जब खुलेगा तभी वो व्यापार कर पाएंगे। साथ के साथ व्यापारियों का यह भी कहना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छूट देनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक जब इधर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी आएगी तभी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अन्यथा जो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय है, इसके अंदर किसी भी तरीके से व्यापारी है वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों का जो सीधा सीधा यही कहना है कि व्यापार का जो समय है इसके अंदर जो है बढ़ावा देना चाहिए। जी आशीष, राजधानी की सड़कों का क्या हाल है जरा दिखाने का प्रयास करें, कैमरामैन से कहें कि राजधानी की सड़कों पर किस प्रकार से आवागमन हो रहा है, किस प्रकार का नजारा राजधानी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार बंद हो चुके हैं। 11 बजे तक बाजार खोलने की छूट थी, 11 बजे के बाद बाजार बंद करवा दिए गए हैं, तो अब राजधानी की सड़कों पर किस प्रकार से ट्रैफिक है, क्या सामान्य ट्रैफिक है या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी आशीष, बाजार पूरी तरीके से बंद हो चुका है, लेकिन मैं मेरे कैमरामैन जो सहयोगी हैं उनसे कहूंगा कि वो बाजार का जो सड़कों का हाल है वो आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर अभी भी है पूरी तरीके से लॉकडाउन जैसी स्थिति अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो है वाहन है यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी जो जिस तरीके से वाहन है उनका आवागमन यहाँ पे जारी है। हाँ, धीरे धीरे वाहनों का आवागमन जरूर कम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और इसके बाद में जो वाहनों का आवागमन है धीरे धीरे कम हो रहा है, और अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पे जो है पुलिस की जो चेकिंग भी शुरू हो जाएगी और पुलिस उसके बाद में यहाँ पे चेकिंग करते हुए पुलिस टीमें यहाँ पे लोगों का आईडी कार्ड चेक करेगी, उसके बाद में जिस तरीके से अगर कोई भी लोग अगर बगैर कारण अगर घर से बाहर आते हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो लोग यहाँ पे इसके बाद में धीरे धीरे जो है यहाँ पे निकलना कम कर देंगे, थोड़ी देर बाद में यहाँ पे वाहनों का आवागमन है जो बिल्कुल कम हो जाएगा। जी आशीष, लोगों की आवाजाही आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्या जो नियम बनाए गए हैं 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है या फिर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार का नजारा आप देख पा रहे हैं? राजधानी की सड़कों पर आप जा रहे हैं तो वहां पर क्या सभी लोग पुलिस के डर से केवल मास्क लगा रहे हैं, पुलिस को देखकर केवल मास्क लगाया जा रहा है, या फिर अपने आप स्वेच्छा से स्वजागृति से भी मास्क का प्रॉपर उपयोग किया जा रहा है? जी आशीष, दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बिना मास्क भी दिखाई देते हैं और जिस तरीके से जो सुबह जो बाजार चला था उसके अंदर काफी ज्यादा
जो कोरोना गाइडलाइन की है, जो नियम यहाँ पे तोड़ते हुए दिखाई जो लोग दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पे दिखाई ऐसे दिए थे जो बिना मास्क यहाँ पे बाजार के अंदर आए थे, और अभी भी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरीके से हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मेरे कैमरामैन के साथ में, जिस तरीके से यहाँ पे रिक्शा पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो बगैर मास्क जो बैठे हुए हैं, और इसके साथ ही कई लोग जो हैं तो बगैर मास्क अभी भी बाजार में आते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी ऐसे हैं जो यहाँ पे कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग जो है बगैर मास्क आते हैं, ये काफी ज्यादा जो है खतरे की स्थिति जो है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, उनका यही कहना है कि कोरोना का ग्राफ कम जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। ऐसे में लोगों को अपने खुद को है जो इस मामले में सुरक्षा सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी कोरोना जो है अभी भी पूरी तरीके से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अभी तीसरी लहर जो बच्चों की है